हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोर्सेस क्लासेस। आज सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई यूजीसी नेट 2020 का सॉल्यूशन। ये पार्ट थ्री है। पहले दो वीडियो में 24 तक सॉल्व हो चुका है। ओके, मैच द फॉलोइंग मीन डेविएशन समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स बार। तो काफ़ी आसान है, सिर्फ नाम के साथ ही मैच करना है। कभी कभार लक अच्छा हो जाता है। सो मीन डेविएशन किसके साथ आता है? मीडियन। नेक्स्ट इज समेशन। सो सम ऑफ दिस इज काई स्क्वायर एंड दिस इज मीन। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट 26। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच पी एक्स इक्वल टू दिस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई एन एक्स। सो 26 आंसर इज सॉरी एन एक्स बाई एन है। सो दिस इज ए एन एक्स बाई एन। सो विद रिस्पेक्ट टू एवरी वैल्यू एंड डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एक फिगर दिया हुआ है, तीन बिलो फिगर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा इक्वल टू 1, 3 एंड सिग्मा इक्वल टू 10, म्यू सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सो दीज आर ऑल नॉर्मल कर्व्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है और डिफरेंट मीन्स है। सो नॉर्मल कर्व्स विद आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉर्मल कर्व्स विद आइडेंटिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं, डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन यस। 27C वैल्यूज अलग हैं, सो इसीलिए डिफ्रेंशिएट। 28 द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई बी वाई एक्स। देन द फॉर्मूला काफ़ी आसान है। इसका फॉर्मूला आपका है बी वाई एक्स इक्वल टू आर ऑफ सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। बी एक्स वाई अगर हुआ तो उसका फॉर्मूला आर ऑफ सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। दैट्स वाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट आपको देता है आर स्क्वायर। नेक्स्ट 29 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज ऑप्टेन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ वाई माइनस वाई सी स्क्वायर बाई एन। सो सी इज द आंसर। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फिटिंग अ लाइन। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फिटिंग अ लाइन, जैसे मान लीजिए रिग्रेशन लाइन को लिया जाता है, वैल्यू से उसका मीन का फ्लक्चुएशन दिया जाता है थ्रू द स्कैटर डायग्राम मेथड। ओके, सो इस तरीके के हैं। तो एक कॉमन पैटर्न को लिया जाता है, मान लीजिए। सो विच इज द विच एक्चुअली मिनिमाइजेस द सम ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल डेविएशंस इन द फिटेड लाइन। सो सबसे ज़्यादा कम फ्लक्चुएशन में अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे तो जो लाइन आएगा वही है फिटेड स्क्वायर। सो दिस इज मिनिमाइजेस 30। आंसर इज बी। चलते हैं 31 की तरफ। सो चलते 31 में। इन एन ऑफिस एवरी एम्प्लॉय लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टी कॉफी एंड मिल्क। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक टी कॉफी टी ओनली कॉफी एंड ओनली टी एंड ऑल द थ्री आर इक्वल। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी एंड ओनली कॉफी। चलिए पहले डायग्राम कर लेते, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये है, मान लेते हैं टी कॉफी मिल्क। ओके, सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी only coffee only milk and all the three are equal. So A B C and D. So A equal to B equal to C equal to D. ऐसा ले सकते हैं। The number of employees who like only tea and coffee. अच्छा, only tea and coffee. तो ये एरिया E F G, ओनली टी एंड कॉफी और कुछ इन लोगों को पसंद नहीं है। ओनली कॉफी एंड मिल्क मतलब E प्लस F प्लस G और इक्वल, ओ सॉरी इस बार भी इक्वल है एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल थ्री। सो दैट इज इक्वल टू ऑल थ्री के साथ, मतलब डी के साथ इक्वल है।
So then possible value of the number of employees in this office. Okay, so the answer dekhiye. So A equal to B equal to C equal to D and that is equal to E, F, G. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parameters hai. 7 ke saath it has to be a multiple of 7. So 7, 11, 77. So this is the answer. So 31 answer is C. Next, 32 mein chalte hai. The set of all letters in the word better in roster form. Roster form mein likhte hai. तो क्या आएगा बी रिपीट नहीं होता है टी आर दैट्स इट बी टी आर सो 32 आंसर इज ए. नेक्स्ट ए बिलोंग्स टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सो जस्ट फॉर्मुलेशन के डायरेक्टली लिखा जा सकता है सो 33 इज ए इज कॉल्ड यस द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आंसर इज ए. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट सेट तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सॉल्व करते हैं एक्स का दो वैल्यू आएगा टू एंड थ्री लेट मी जस्ट सॉल्व इट अगर आपको ये लगे थ्री एक्स सॉरी दिस इज सिक्स और वन के हिसाब से आएगा सिक्स एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स सॉरी लेट मी जस्ट क्लियर इट अप या इसको सॉल्व करने से एक्स का दो वैल्यू है टू और थ्री सो एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स स्क्वायर इज इवन एक्स स्क्वायर इज इवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस टेन सो ऑब्वियसली इसको अगर हम लोग करेंगे सो ये आएगा बी तो ऑब्वियसली है यहाँ तो दो स्पेसिफिक वैल्यू हो रहा है और डी सो बी एंड डी है 34 का आंसर सी. नेक्स्ट 35 इफ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड अ पॉइंट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन मान लेते हैं ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर देन द फंक्शन इज सेट टू बी वेल दिस इज कंटिन्यूअस अ कंटिन्यूअस फंक्शन. If the first term of an AP is A, second term is B, and the last term is C, then the sum of the AP. So directly we can apply the formula that is B plus C minus 2A by C plus, into C plus A by 2 into B minus A. Next, marginal rate of transformation between two goods X and Y, MRT. So by how we can leave one, get one in order to maintain the same level of utility. So that is MRT. T of xy is mcx by mcy matching up with A directly. It's a very important concept. So, chaliye aage badhte A equal to 3 cos 2 matrix, B is a 3 cos 3 matrix, C is a 2 cos 3 matrix, then the elements of A, B, C are respectively what? Okay. So, elements are 3 cos 2, so 6 elements, 3 cos 3, 9 elements, 2 cos 3, so 6. 6, 6, 6, 9, 6. So these are the elements. So the answer is B. Next, 39. So what will be the value of X and Y for the given matrix? ओके सॉरी गाइस यहाँ पर एक्चुअली मैट्रिक्स का क्वेश्चन शायद थोड़ा मिस्टेक हो गए इट्स माय मिस्टेक आई विल डू इट लेटर इन दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे ओके मैट्रिक्स दिया नहीं यहाँ पर 40 से करते व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इफ ए प्लस बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स आज दैट ए बी इक्वल टू बी ए सो ए प्लस बी होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं सो 40 में सो दिस थिंग इज These two are same and AB equal to BA agar hai. So obviously A square plus 2AB plus B square. So the answer is C. Next, the opportunity cost curve is also called what? Opportunity cost kya hai? Ki agar abhi jo kar rahe hai, usko chhod ke kuch aur karte, to hamara jitna, agar wo cheez nahi kar rahe hai, if you are doing A, abhi padhai kar rahe hai, तो अभी आप मान लो पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहे तो पैसा जितना कमा सकते थे तो वैसा अभी नहीं कमा पाए तो मान लीजिए आपका एक घंटे के आप 500 रुपये कमा रहे थे
So ये 500 rupees is your opportunity cost. So the answer to this is ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हाँ ऐसा भी हो सकता है, अब प्रोडक्शन फ्रंटियर भी आएगा, सो दिस इज़ अ प्रोडक्शन फ्रंटियर, तो इसके बीच में आप कुछ भी कर सकते थे, कोई भी पॉइंट में रह सकते थे, सो द ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सो 41 आंसर इज डी. नेक्स्ट वी मूव टू 42. इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इक्वल 60, ठीक है, and the amount of imports of the machinery in the industrialized countries from the rest of the world is 40. So the intra-industry trade share of machinery kinta hai? So inter-industry trade share of machinery iske hisab se aayega. This is a direct calculation. Ek valuation se, वैसे इसका एक index का नाम है, पूरा index का नाम है Grubel Lloyd Index. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स वैल्यू कुछ इस तरीके से 1 minus XI by MI modulus divided by XI plus MI. सो 1 minus एक्सपोर्ट, ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रियल कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट है इसका 60, मॉड ऑफ 60, इम्पोर्ट है इसका 40, एक्सपोर्ट है इसका 60, इम्पोर्ट है इसका 40. सो 1 minus 20/100, सो 0.8 जो कि है बी. नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू एक्सप्लेन द राइज ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मीन्स इंडस्ट्रीज के बीच का ट्रेड बढ़ने का रीज़न क्या है. सो दिस इज़ याद रखिएगा, क्या रीसेंट रिसेशन एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑयल. नहीं, ऐसा हमेशा नहीं कर सकता. An MCQ में वेन एवर यू आर कम्प्लीटली श्योर देन ओनली यू कैन से इट एज एन आंसर. ओके, सो ये नहीं है. सो डिमांड फॉर प्रोडक्ट वैरायटी हैज़ इंक्रीज, बिल्कुल सही, ये हो सकता है. प्रोडक्ट वैरायटी इंक्रीज इज अ गुड रीजन. नेक्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज, नो एंड नन ऑफ द अबव, नहीं, बी तो है. सो 43 आंसर इज बी. आने वाले वीडियो में 44 से करेंगे.